हेलो गाइस, परम अनुराग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए सबसे फेवरेट आइटम क्वीन जो है दिलबर की रानी, वो है नोरा फतेही का एक और सॉन्ग जो है साकी साकी, उसका रिएक्शन जो कि है जॉनी ब्रेम के अपकमिंग मूवी बटला उसका सॉन्ग। और वही वो मतलब इसका जो ट्रेलर है वो काफी ज्यादा मतलब बस क्रिएट कर दिया उसने और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। और साथ में एक लोगों को ये कि जो पूरी कंट्रोवर्सी थी बाटला हाउस का एनकाउंटर था उसके रिलेटेड आप देखना चाहते, जैसे आपने तलाश मूवी देखी होगी तो तलाश मूवी कैसी थी, तलाश मूवी के अराउंड जैसे वो जो पूरा जो आरुषि का हत्याकांड था वो पूरा केस था और वो कितना लंबा खींचा था, तो काफी लोगों में अलग अलग परसेप्शन थी। कईयों को लगा था माँ बाप ने किल किया है, कईयों को लगता था नहीं उसके वो जो हेमंत कुमार है जो सर्वेंट है उसने किल किया है, तो सब लोगों के दिमाग में अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसीज थी। बट फिर जब वो मूवी आई तो वो मूवी ने दिखाया किस तरीके से वहाँ पे सीबीआई ने और बहुत सारे जो पुलिस कर्मी है उन्होंने जो मतलब काम सही से नहीं किया, अपना काम अगर वो सही से करते तो बहुत सारी चीज़ें और पता लग सकती थी और उसकी वजह से कहाँ तक केस चला गया है और माँ बाप का उसमें इतना हाथ नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। तो उसके बाद काफ़ी हद तक वो केस क्लियर हुआ था और साथ में मिली है कि अब इसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये किस एंगल से दिखाते हैं बाटला हाउस को, कि भाई ये बाटला हाउस जो था वो किस एंगल से, या तो वो जो प्रोटेस्टर्स थे उसके एंगल से दिखाता है या फिर जो पुलिस है उसके एंगल से। मेरे ख्याल से पुलिस के एंगल से दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि लोग जो परसीव कर रहे थे उस टाइम पे वो गलत था और फिर ये कहीं ना कहीं सही थे। बिल्कुल, अब इस सॉन्ग की बात की तो उसका टीजर आया था अभी दो दिन पहले, तो टीजर को काफी तगड़ा रिस्पांस मिला है और ऊपर से नोरा फतेही, तो नोरा फतेही को दिलबर के बाद तो लाइक वो ऊंचाइयों पे छू रही है। और इसके साथ साथ इसके कंपोजर की बात की जाए तो विशाल शेखर जी इसके कंपोजर है और इसके सिंगर की बात की जो नेहा कक्कर हुई, तुलसी कुमार हुए, बी प्रैक है और इसके अलावा इसके लिरिस्ट है देव कोहली, लाइक सारे के सारे स्टार बहुत जबरदस्त है। और ऊपर से मेनली है कि नोरा फतेही के एक के बाद एक सॉन्ग आते जा रहे हैं, वो हिट ही जाते हैं, हर मूवी में होता है उनका। कमरिया हो गया, तुरपिया हो गया, बहुत सारे हो गया, लाइक अब तो रेगुलर ही हो गया कि एक। और जैसे आपने देखा बाटला उसके ट्रेलर में, जबकि वो इतना सीरियस ट्रेलर था उसके अंदर एक बाइट तो डाल दी दिखाने के लिए कि भाई इसका वो आ रहा है, ये सॉन्ग आ रहा है, नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग आ रहा है, तो रेडी रहो। और भाई आ गया है तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। वाह, ये भी पूरा महफिल वाला सॉन्ग लग रहा है, ऐसी महफिलें होती क्या मूवीज में? वो ये सारे नेता तो बैठे रहते हैं। मुझे बहुत जबरदस्त है, नेहा कक्कर की आवाज सुनने लग रही, तुलसी कुमार की आवाज है, फिर से रिक्रिएट किया है। जॉन इब्राहिम आएंगे मेरे ख्याल से रियल मूवी में। डॉक्टर की वो पहन रखी है, वो टेबल ही तो वही है। जोरदार सॉन्ग है, मुझे कमरिया उतना अच्छा लग रहा पर ये तो बहुत शानदार है। मैजिक मोमेंट वालों ने स्पॉन्सर किया लगता है। और लॉन्ग एज के साथ और अच्छी लग रही है, एक्सप्रेशन में बहुत कमाल के आते हैं। इस साल का टॉप नंबर का आइटम सॉन्ग मिल गया, बिल्कुल बहुत शानदार सॉन्ग। और मेनली वही है कि मतलब क्या शानदार तरीके से वो साकी साकी को रिक्रिएट किया, बिकॉज हमने देखा था लाइक कमरिया सॉन्ग में उतना अच्छा लगा था क्योंकि उसमें क्या थोड़ी स्लो बीट थी और वो उतना मजेदार नहीं लग रहा था, और जैसे वो पूरा माहौल बनाया हुआ था ना उसको सूट इतना नहीं करता, बट ये तो कर रहा है, तो बहुत शानदार तरीके से कर रहा है। और इसके जो बीट्स है लाइक हमने ये जीवानी है दीवानी भी सॉन्ग देखा था तो वो भी बहुत शानदार था, वो भी बहुत अच्छा रिक्रिएशन था। तो अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि रिक्रिएशन काफी शानदार हो रही है, वैसे बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग जो आजकल देखोगे सिम्बा के
तो इतने सारे सॉन्ग थे और काफी सारे आंख मारे था और एक दो और सॉन्ग थे जैसे एक रात वजह अली खान का जो सॉन्ग उन्होंने खुद गाया था वो भी रिक्रिएटेड था, तो वो बहुत सारे रिक्रिएटेड सॉन्ग और रिपब्लिश सॉन्ग आजकल बहुत आ रहे हैं, तो वो है उसकी वजह से काफी लोग इरिटेट भी हो रहे हैं बिकॉज जैसे अब कबीर सिंह मूवी आई उसमें एक भी ऐसा सॉन्ग नहीं था रिक्रिएटेड, सारे नए थे और वो पूरी की पूरी एल्बम हिट गई है, तो वो दिखाता है कि एक सॉन्ग तुम्हारे अगर सॉन्ग कितने अच्छे हो तो उसकी वजह से कितनी अच्छी फिल्म जा सकती है, तो इसमें यहाँ पे रिक्रिएट किया गया पर ये रिक्रिएट बहुत अच्छे तरीके से किया गया और बहुत एकदम मतलब उसकी जो बीट मेन बीट है वो भी शानदार बनाई गई, ऊपर से जो मेन पैराग्राफ है उसको भी अच्छे तरीके से रिक्रिएट किया गया, तो अच्छा लग रहा है बिल्कुल, और ऊपर से ना सॉन्ग को दिखाने का तरीका बहुत जबरदस्त है क्योंकि एक तो जैसा देखा जाता है मोस्टली आइटम सॉन्ग होता है वो एक डिस्को में होगा और चारों तरफ वो पूरी ऑडियंस होगी, वो कोई दारू सर पे रख के नाच रहा होगा और सामने की कुर्सी पे नेता बैठा रहेगा या फिर ज्यादातर हो तो ऐसा हो सकता है यार हीरो बैठा रहे, तो इसमें हीरो तो जोन ब्रायन तो देखने को मिले नहीं, बाकी वो तीन चार पॉलिटिशियन बैठे थे और मैजिक मूवमेंट जो बीयर थी उसको स्पॉन्सर कर रहे थे, और ऊपर से देखा जाए तो बीच में काफी चीजें एकदम यूनिक थी और बहुत अच्छी भी लग रही थी कि जैसे ना बीच में उनका टॉर्च मार देना, टॉर्च से पूरा नोरा फतेह के फेस पे फोकस डालना, उसके अलावा फिर जैसे उनको डॉक्टर की ड्रेस पहना देना, नोरा फतेह वो डॉक्टर वाले बेड पे लेटी हुई है तो वहां पे वो डांस स्टेप्स कर रही है, तो ऐसे यूनिक यूनिक चीजें यूज की गई और नोरा फतेह की जो कमर हिल रही है उनका जो डांस निकल के आ रहा है लाइक मेनली वो एक था ना जब वो एकदम ऐसे पीछे हो जाती है वो तो एकदम कमाल का था, बाकी डांस वांस में तो क्या बोला मजा आ गया सबको देख, मेनली वही जो कैटरीना कैफ ने जब आने के बाद किया था ना तो वैसी काइंड ऑफ मतलब इंडियंस के साथ थोड़ा रहता है, इंडियंस को एक थोड़ा सा ऐसे फॉरनर मिक्स इंडियन ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल ये मैंने चीज देखी बिकॉज जैसे कैटरीना कैफ होगी वो थोड़ी इंडियन भी लगती है और फॉरनर भी लगती है तो इससे अच्छी लगती है, ये भी थोड़ी अरेबियन लगती है और साथ में इंडियन भी लगती है नॉर्मल होती है तो वो और ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसकी वजह से और उनकी जो हेयर्स है उनकी पूरी स्माइल है और जिस तरीके से वो कमर हिला के डांस करते हैं लाइक उन्होंने अपने डांस के ऊपर जो इतना सुधार किया और इतना अच्छा किया ना वो देख के तो और मजा आती है, बिल्कुल क्योंकि है ना उनको स्टार्टिंग में दिलबर से तो दिलबर उनका क्या गाना गया था, उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया और जब जाके है ना इतना जबरदस्त वो डांस करने लगी और मजा आने लगा सबको, और वही हम लोग एक बार थोड़े टाइम पहले हमने एक तेलुगु सॉन्ग किया था इटागे अच्छी बताऊं करके था तो उसमें वही दिखाया था कि किस तरह नौरा फतेही थी उसमें, उसमें नौरा फतेही थी पर लेकिन नौरा फतेही का नाम टाइटल में नहीं डाला गया था और लाइक उनका इतना शोकेस नहीं किया गया था और मेन हीरो का शोकेस किया गया था, पर अब उन्होंने ये एकदम टाइटल में आता ये स्टेज अचीव कर लिया कि अब तो उनको टाइटल में नाम दिखाते, अब तो ट्रेलर में उनका छोटा पार्ट डाला जाता है दिखाने के लिए कि भाई ये आने वाला है तो रेडी रहिएगा, तो ये उन्होंने अपना बनाया और बहुत शानदार बनाया, तो आप लोगों को कैसा लगा आपने कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, ज्वाइन करते जाइए, बाय।